हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द फॉलन अंडरलाइन डिजिट। जो डिजिट अंडरलाइन की गई है उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी। प्लेस वैल्यू क्या है कि किस प्लेस पे है उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे हमारा ये क्या वंस पे, ये टेंस पे, ये हंड्रेड पे, तो ये जो थ्री है ये किस में हंड्रेड पे। इसमें क्या है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है हंड्रेड है। प्लेस क्या है इसकी हंड्रेड की, तो वैल्यू क्या है थ्री इंटू हंड्रेड, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 300 हो जाएगी। प्लेस तो इसकी 100 की और वैल्यू कितनी है 300 की, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे 100 पे और जो इसकी वैल्यू है 300 की है। ओके, अब हमें 5 की निकालनी, तो 1 × 10 = 100,000, तो किस पे 5 की किस पे प्लेस क्या है इसकी 1000 पे और वैल्यू कितनी है इंटू 1000 कर दो तो कितनी हो जाएगी 5000, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 हो जाएगी। ओके, ऐसे मुझे 1 का देखना है, 1 का 1 की वैल्यू 1 है, 1 की प्लेस कितनी है 1 से और वैल्यू इसकी 1 से होगी 1 ही होगी। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ऐसे ही मुझे 9 का देखना है, 1 × 10 = 100,000, ये फिर 1000 पे, तो 9 प्लेस वैल्यू इसकी क्या है 1000 है और इंटू वैल्यू इसकी जाएगी तो इंटू 1000 कर दो तो 9000 हो जाएगी। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 9000। 0 है, 0 किसी भी प्लेस पे हो इसकी वैल्यू कितनी होती 0 होती। प्लेस भी प्लेस उसकी 100 है लेकिन वैल्यू कितनी है 0 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ 6 है, 1 × 10 = 100, किस पे ये 100 पे, तो 100 मतलब 6 है और इंटू 100 करना पड़ेगा तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई ये 600 हो गई। कितनी हो गई इसकी प्लेस वैल्यू 600। तो इस ढंग से हम प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की निकाल सकते हैं। ओके।